झाबुआ कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई चल रही है और जनसुनवाई में इस समय पहुंचे हैं रंभापुर से कई लोग और इनसे हम बात करेंगे। कहां से हैं आप लोग? सर जी रंभापुर से। और किस समुदाय से हैं आप लोग? सर हरिजन समाज से। तो आज जनसुनवाई में क्या अर्जी दी आप? सर हमारे यहाँ पर सांसद निधि से एक सामुदायिक भवन मंजूर हुआ था, जिसके सिलसिले में हमने वहाँ पर जो 100 साल से मतलब गंदगी पड़ी जमीन थी सर, वहाँ पे जो कलेक्टर व्यवस्थापक में जमीन नाम पे आती है सर, तो वहाँ पे सफाई करी सर हमने, और वहाँ पर सफाई होने के बाद उन्होंने अड़ंगा लगा दिया सर कि अब यहाँ पर हम बना नहीं देंगे आपको। क्यों 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 मना कर रहे हैं वो? वो कि बस हमारे समाज की जमीन है, हम यहाँ पे नायक लोग हैं तो हम भी करवाएंगे यहाँ पे। तो जमीन निजी है, समाज की है, सरकार की? ये सर शासकीय हेड की है, कलेक्टर महोदय इनके व्यवस्थापक है, और वहाँ पर इसी समाज की सर 4 से 5 मकान बने हुए, वो निजी यूज़ करते हैं सर, और हम तो सार्वजनिक उसके लिए उसको यूज़ कर रहे थे। क्या आपने कलेक्टर मैडम से बात की, क्या बोले वो? मैडम हमको नहीं मिली सर, हमने ज्ञापन सौंप दिया है। हाँ उन्होंने हमारी समस्या जो थी वो बताई उनको वहाँ पे। सर हमारे रंभापुर में ऐसा चलता है कि हमारी जाति का कुछ भी काम होता है तो हमको दबा देते हैं, ये बोलते हैं मंदिर में नहीं आना, वो नहीं आना, ऐसा करके हमको बोलते हैं। अभी ये हमारे सार्वजनिक भवन है, हम बारमा करते, किसी की धूप ध्यान देते, लड़कियों की लड़के की शादी करते, तो वहाँ मंदिर में इनका एक सार्वजनिक भवन बना है, वहाँ पे सर 10-10 हज़ार रुपये मांगते। हम गरीब लोग इतने पैसे हम नहीं दे सकते, इसलिए हमने आगे मांग करी थी कि हमारा सार्वजनिक भवन यहाँ पे आया है, मंजूरी भी हो गई सर, सब कुछ हो गया। पर अब जो ये शंकर सिंह मास्टर है, पूरे मंदिर की चाबी इसके पास है, सब राम मंदिर में जो भी सार्वजनिक बने हुए ये भी उसकी चाबी उसके पास है, ये जो भी नायक समाज के 2-3 लोग हैं ये सब लोगों के पास उनके अंडर है। कौन सी भी जाति वाले जाएंगे तो 10 हज़ार रुपये मांगेंगे, अब गरीब लोग तो 10 हज़ार दे के कहाँ खाना खिलाएंगे सर, जैसे तैसे करके शादी करते हैं वो। तो आप लोगों ने वहाँ बात की थी, जो लोग विरोध कर रहे हैं उनसे बातचीत की थी? जी सर की थी उनसे, को तो सरपंच साहब को सफाई करने बोला भी था उन्होंने कि कर लो मकान, अरे भवन बना लो, उसके बाद उनको कुछ सफाई करने के बाद जमीन का कुछ ज़्यादा दिखा तो उनकी नीयत में कुछ खोट, क्या पता नहीं खोट आया, उसके उन्होंने हमको सरपंच साहब को मना बोल दिया, क्योंकि हमारा समाज बहुत छोटा समाज है और उनका समाज बहुत विशाल है, उसके कारण उनका दबदबा, हमारा राजनीतिक दबाव ज़्यादा है उनका, और सब क्षेत्र से ज़्यादा दबाव। हम तो सरपंच कौन है आपके यहाँ? गुमान सिंह सर पारगी। अच्छा तो अब क्या उम्मीद है, बातचीत चल रही है? बातचीत चल रही है सर, सरपंच साहब कह रहे जाओ कलेक्टर के साहब में जाके लाओ तो मैं काम चालू कर लूँ, मेरे को दबाव डाल रहे हैं ये लोग, मेरी शक्ति कम हो रही, यूँ बोल रहे हैं सरपंच साहब। आपको उम्मीद है कि बातचीत से हल हो जाएगा? श्रीमान शासन का अगर आदेश होगा तो हल हो जाएगा, नहीं तो उनका प्रभाव ज़्यादा है, हमारे कम लोग हैं जी, अगर शासन साथ देगी तो ज़रूर हो जाएगा। तो ये जनसुनवाई में ये मामला पहुंचा है, एक सामुदायिक भवन का ये मसला है, और देखिए ये एक बड़ी विडंबना है कि जब आप हिंदुत्व की बातें करते हैं, हिंदू धर्म की बातें करते हैं, तो फिर ये उसी धर्म के अंतर्गत आने वाली जातियों में क्यों फंस जाते हैं? ये भी हिंदू हैं, आप भी हिंदू हैं, सबसे बड़ा इशू ये है, लेकिन यहाँ पर ये दलित परेशान हो रहे हैं, यहाँ पर बड़ा दिल दिखाने की ज़रूरत है। हम भी आग्रह करेंगे जो लोग विरोध कर रहे हैं सामुदायिक भवन बनाने का, थोड़ा बड़ा दिल दिखाइए, सभी हिंदू भाई हैं, जातियों में मत पड़िए, और प्रशासन अपना काम करे। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए सीबी लाइव।